अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस यानी कि प्याज यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान नंबर वन यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसके जो है ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज, एडमिशन डिटेल्स, स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्याज यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ये आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 30 जून है और जो लेट फी के साथ अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 20 जून है। ठीक है, ये वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर। तो सबसे पहले जो है बीएस एडमिशन की बात करें तो 24 अप्रैल संडे को जो है ना इसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर पे आई थी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 13 जून है। ठीक है, लेट फीस के साथ 20 जून है और रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 24 जुलाई से जो है ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होगा। 31 जुलाई एट रेस्पेक्टिव सिटी जो है रावलपिंडी। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी आफ्टर 2 वीक ऑफ एंटी टेस्ट लगेगी और डेट ऑफ जॉइनिंग प्याज मतलब कि जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो 12 सितंबर से जो है ना आपकी क्लासेस लगेंगी। ऐसे ही अगर हम एमएस के एडमिशन्स की बात करें तो वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि रिटर्न टेस्ट रिजल्ट ऑन वेब आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, बाकी प्रोसेस तो वही है जो बीएस ग्रेजुएशन में है। ठीक है, तो इसमें जो है ना रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जो है ना वी 2 वीक के बाद आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और ठीक है, और उसके बाद जो है ना जॉइनिंग होगी। टेंटेटिव अभी फाइनलाइज नहीं है कि नहीं, अभी टेंटेटिव है कि आपकी जो है ना जॉइनिंग प्याज में जो है ना 9 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपने वहाँ पर जॉइन। उसके बाद ऑफर होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस फिजिक्स के डिग्रीज प्रोग्राम में जो है ना डिविशन ओपन हुए हैं बीएस के। ठीक है, और इसमें अगर आप फीस स्ट्रक्चर चेक करना चाहते हैं तो फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। ये जो है ना आपकी कैटेगरीज वाइज फीस स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से देख के जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किस डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और उसकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये टोटल जो टोटल विद अकोमोडेशन 1,29,000 जो पर सेमेस्टर की फ़ी है। ठीक है, तो विदाउट अकोमोडेशन 1,16,000 जो है ना पर सेमेस्टर फी है। ये पहले जो सेमेस्टर की फ़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बाद में थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ये बीएस प्रोग्राम की सेमेस्टर फ़ी। ऐसे ही अगर एमएस में एडमिशन के हवाले से देखा जाए तो मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, रेडिएशन फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, फिजिक्स मिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी में एडमिशन जो है ना ओपन हुए हैं। ठीक है, ये एमएस के एडमिशन है। फीस स्ट्रक्चर आप वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे कि आपने बीएस की थी, यहाँ से आके जो है ना आप एमएससी की फ़ीस स्ट्रक्चर का चेक कर सकते हैं या लास्ट ईयर की जो है ना आपको मतलब कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। इसका जो पर सेमेस्टर फीस स्ट्रक्चर है वो 1,06,500 है। ठीक है, विदाउट अकोमोडेशन 93,500 है। सही है, ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आपने बीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि आपका तो अकाउंट बना ही नहीं है तो पहले आपने अपना जो है ना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट एन एप्लीकेशन, जैसे ही आप बीएस लिख के क्रिएट एन एप्लीकेशन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सीएनआईसी नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड कंफर्म करेंगे तो आपने यहाँ पर रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो गो टू लॉगिन पेज। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना सीएनआईसी पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप लॉगिन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपने अपना इंट्रो वगैरह देना है, आपने अपना नाम, ठीक है, एड्रेस वगैरह ये सारा। उसके बाद जो है ना आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आप उसको जो है ना सबमिट करेंगे। एजुकेशन के बाद आपसे फ़ीस जो इसकी फ़ी है, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपने सबमिट करवानी है। आपने जो है ना फिर डॉक्यूमेंट्स के वाले से पूछा जाएगा, अगर तो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराने तो आप उनको स्कैनिंग करके ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, पिक उनकी ले के, ठीक है, तो आप ऑनलाइन जो है ना सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप फीस सबमिट करवाएंगे तो आपके जो है ना एप्लीकेशन कन्फर्म हो जाएगी और उसके बाद जैसे आपको सबमिशन का जो है ना ईमेल आ जाएगी, जैसे ही आपका सबमिशन का ईमेल आ जाएगा तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन कन्फर्म हो जाएगी और आपका जो है ना प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपने जो आगे फीस सबमिट करवानी है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल भी चार्जेस भी सबमिट करवाने हैं। ठीक है, हॉस्टल भी रख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी बाद में मसला होता है स्टूडेंट के लिए, तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।